मैं उनकी जगह मंत्री होता, मैं एक जेब में इस्तीफा रखता और एक जेब में चिट्ठी रखता। क्योंकि विधानसभा में एक दिन एक निर्दलीय विधायक कह रहे थे, जी हम तो शेर हैं। मैंने कहा इन विचारों को शेरू मत बना देना जी। और मेरी बेटी की शादी में तो सतवीरा ने गाड़ी नहीं दी जी, ना मेरा मामा घूमने गया है बैंकॉक जी, ना मेरे चाहने वाले चंडीगढ़ गए हैं चार्टर्ड प्लेन लेके। ...2014 में देश में सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी बने, उन्होंने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हरियाणा बदला युग, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने और उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार देंगे जिसके अंदर पूरी तरह से पारदर्शिता होगी। 10 साल हो चुके, इस सबके बावजूद अगर खासकर कहें भ्रष्टाचार और खाऊंगा नहीं खाने नहीं दूंगा इस प्रकार के मामले पूरे हरियाणा के अंदर पूरे देश के अंदर उजागर होते रहे, इससे अछूता फरीदाबाद भी नहीं है। फरीदाबाद नगर निगम जिस पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगते हैं, अभी 200 करोड़ रुपए के घोटाले की स्याही सूखी भी नहीं, उसके अधिकारी बदले गए, जांच अधिकारी बदले गए, मामला पेंडिंग डाल दिया गया और एक स्टे के नाम पर उस सारे मामले को रोक दिया गया। अब उसके बाद में एक 50 लाख रुपए और 62 लाख रुपए की कुछ सड़कों के निर्माण का मामला, और ये सारे जो मामले उठाए हैं फरीदाबाद NIT के विधायक है नीरज शर्मा। नीरज शर्मा जी, पहले तो आपका धन्यवाद है कि आप इस प्रकार के मामलों को उजागर करते रहते हैं जिससे कि जनता को पता चले कि आखिर हो क्या रहा है। 200 करोड़ रुपए वाला जो मामला था, आप तफसील से पहले सबको बता भी रहे थे और मैं भी इसको सुन रहा था, आखिर वो मामला, उसके अंदर जो जांच चल रही थी, उस जांच के अंदर केवल 3-4 अधिकारियों और 3-4 कर्मचारियों को सीमित कर दिया गया, क्या उन्हीं की भूमिका थी या इसके अंदर और भी कुछ था? नहीं, देखिए 200 करोड़ का जो घोटाला है बिना सरकार के नहीं हो सकता जी, और सरकार को चलाने का कोई हक नहीं अगर जो उसे यही ना पता लगे कि हमारे 200 करोड़ कैसे चले जी। 200 करोड़ के घोटाले में सरकार ने ढील बरती जी, क्योंकि गर्दन सरकार के मंत्रियों तक पहुंच रही थी, सरकार के विधायकों तक पहुंच रही थी, सरकार के नेताओं तक पहुंच रही थी जी। अब मेरी बेटी की शादी में तो सतवीरा ने गाड़ी नहीं दी जी, ना मेरा मामा घूमने गया है बैंकॉक जी, ना मेरे चाहने वाले चंडीगढ़ गए हैं चार्टर्ड प्लेन लेके, ना मेरे शपथ ग्रहण समारोह में 20-20 आदमी दिल्ली से चंडीगढ़ सतवीरा की टिकट पे गए हैं। पुलिस ने किससे पूछताछ नहीं करी कि भैया आपका मतलब क्या, सतवीरा इतने क्यों, सतवीरा इतने खर्चे कर रहा है। अगर जो कोई गरीब आदमी 100 रुपये चुरा लेना जी जी और वो आटा खरीद ला अपने बच्चों के लिए, जो आटे के लिए चोरी कर रहा है उसके घर में ईंधन तो होगा नहीं, तंदूर पे रोटी बनवाएगा, कसम से पुलिस उस परचून वाले को बिठा लेगी, तंदूर में जिसने रोटी पकाई होंगी उसे भी बिठा लेगी जी जी। और छोड़ोगा कबाड़ी भी ले आएगी, जहाँ पे तुमने अखबार लिया होगा, 2-4 किलो रद्दी लाया होगा कि रोटी पैक किस में करके दूंगा जी, लकड़ी वाले को भी मतलब लगातार फर्द इंसाफ लिखे जाएंगे और फर्द इंसाफ लिख लिख करके सबको उठा लिया। परंतु इस केस में बस सतवीरा उठाया, एक आधा और अधिकारी उठाया, एक वो सोनल गोयल मैडम स्टे ले आई जी, और स्टे भी किस बात का लाई, इतनी बड़ी सरकार चल रही है भाई, बाकी अधिकारियों ने तो स्टे लिया नहीं जी। यश गर्ग ने रनिंग कमेंट्री कर दी कि 31 करोड़ की पेमेंट पे मेरे साइन नहीं है। भाई तेरे साइन नहीं है, तू नगर निगम में कमिश्नर था, जवाबदेही है उनकी, 31 करोड़ रुपए निकल गए, तुझे पता ही नहीं लगा, बैंक के खिलाफ FIR दर्ज कराओ जी, कि तेरे साइन के बगैर 31 करोड़ निकल कैसे गए जी, कहीं तो जनता का पैसा वापस आए। 200 करोड़ में 2 रुपए की भी वसूली नहीं है। और अभी विधायक जी बता रहे हो आप, एक जो भी घोटाला, एक मिनट काट रहा हूँ बीच में, आपने कहा कि उस 200 करोड़ रुपए का जो घपला है उसमें से कहाँ क्या लगा वो अलग बातें हैं, किसी को कार दिया जाना उसकी बिलिंग भी जरूर होगी, किसी का बैंकॉक जाना टिकट बुक जरूर हुई होगी। हाँ है, ट्रेवल एजेंट है सबके, मैंने नाम विधानसभा में बता रखे हैं, मैं तो जगकर कह रहा हूँ। मतलब सरकार का जो एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया हुआ है इन्होंने सो कॉल्ड, वो सोया हुआ है क्या, किसकी हिम्मत है कृष्ण पाल के मामा थे, पूछ ले तू बैंकॉक किसकी टिकट पे गो, उसके पासपोर्ट पे भी तो ठप्पा लग रहा है, टिकट पे भी तो ठप्पा लग रहा है जी जी, और ये 5 नंबर में ऊपर BK चौक से आगे जाके वो ट्रेवल एजेंट है जी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसकी ट्रेवल एजेंट कंपनी का जी, उसके जिसके विजिलेंस ने बयान कर रखे हैं। इतना ही बहुत है कि 5 नंबर पर उसका ऑफिस है।
ना ऑफिस है, मैं शायद सरदार हैं, वो सरदार जी हैं, मैं मिलके भी आया था। देश में 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला कहा जाता है दिल्ली का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि दिल्ली के अंदर जो सो कॉल्ड शराब घोटाला हुआ वो 100 करोड़ रुपए का हुआ। सारे रिकॉर्ड में रोज जब आता यही आता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसियां, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग अंदर भेज दिए गए। ये 200 करोड़ का घोटाला क्या सरकार को बड़ा नहीं लगता होगा इनको? क्या देखिए, इन्होंने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है। मुझे तो इस 50 लाख में नजर नहीं आनी। अच्छा, ये तो हमारी सरकार आएगी 3 महीने बाद, हम इनके अलग में से पैसा निकालेंगे और जनता का पैसा वापस आएगा। अब इस पे आते हैं, जो 50 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए, 62 लाख रुपए वाला, एक तो ये बहुत अच्छा हुआ कि इसके अंदर पेमेंट नहीं हुई। बाकी अगर जनता के खून पसीने का पैसा जब चला जाता है, जब 200 करोड़ में से 2 पाई नहीं आई, तो 50 और 62 लाख में से कौन से 50 पैसे आ जाते हैं? ये तो मैं तो समझता हूँ कि ठीक हुआ कि वो घोटाला भ्रष्टाचार होने से पहले, हालांकि वो भ्रष्टाचार तो हो चुका विधायक जी, जिसके लिए वर्क ऑर्डर जारी हुए, जिसके लिए कागजात बने सारे, तो वो कागजी फर्जी वाला तो सारा उन्होंने कर चुका था, बस सिर्फ एक काम रहा कि पेमेंट नहीं निकली। असल में मसला सारा था क्या ही? मसला ये था जी, 3 अप्रैल 2023 को जी मूलचंद जी ने पत्र लिखा कि हमारे यहाँ प्रेरणा पॉकेट में काम करा दो जी। मंत्री लिख सकते हैं पूरे हरियाणा, उनके विधानसभा क्षेत्र का एरिया है? नहीं, उनके विधानसभा का, उनके विधानसभा का जी। उसके बाद दोनों फाइलों में ये कागज और ये कागज जी, इसमें भी सेम चीज है जी। दो दो चिट्ठी लिखने की मंत्री को जरूरत क्यों पड़ी? चिट्ठी में दोनों पे तारीख सेम है? नहीं, एक पे तो तारीख ही नहीं, एक पे तारीख ही नहीं है, और ये मुझे साइन ही नजर नहीं आ रही जी 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 के। उसके बाद इस पे नगर निगम की नोटिंग है जी, और दोनों ही जो फाइलें हैं, चाहे 62 लाख की चाहे 50 लाख की, ये 1, 2, 3, 4, 5 शुरू के 6 पे दोनों में सेम है। इनके अंदर वर्क ऑर्डर होगा तो? वर्क ऑर्डर भी है, एस्टीमेट भी है जी। और सबसे हैरानी की बात, जो 50 लाख वाली फाइल है, जब 2023 से दोनों फाइलें बननी चालू हुई हैं जी, ये 5 अप्रैल 2022 के साइन किसके हैं? 23 से तो फाइल बननी चालू हो रही है, मतलब काम शुरू होने से पहले ही कागज बढ़ा दिए गए, फर्जी कागज लगा दिए, फर्जी कागज लगा दिए, फाइल 50 लाख वाली पूरी की गई जी। ये 62 लाख वाली का नक्शा है, सेम गली है प्रेरणा पॉकेट की, ये 50 लाख वाली का जी जी। मेरे पास तो कुछ एरिया थे, राहुल बच्चा आया, वो कह रहा भाई साहब काम चल रहा है नगर निगम का, मैं चालू करवा के आया था और बीच में मेरी गली छोड़ दी राजनीतिक द्वेष से, ये सेम नक्शा है, यहाँ ऐसे लगाया, यहाँ ऐसे रखा है, ये भी प्रेरणा पॉकेट है, ये भी प्रेरणा पॉकेट है। जब हम गए तो शक तो मुझे वहीं पड़ गया, मौके पर गए नगर निगम में चीफ इंजीनियर के पास जी जी, जई वार्ड का साथ था, जई के पास फाइल ही नहीं थी, दोनों ओरिजिनल फाइलें, एक कोई दाऊद ठेकेदार है उसके पास थी, एक फाइल ब्रजलाल चौरसिया सतवीरा पार्ट 2 जो बनने जा रहा है उसके आदमी के पास थी, जबकि ओरिजिनल फाइल ठेकेदारों पे नहीं नहीं होनी चाहिए, अधिकारी के पास होनी चाहिए जो कंसर्न ऑफिसर है वहाँ का, उसकी मूवमेंट चेक होनी चाहिए। अब वो उस आदमी को ये समझा रहे थे कि जो ये तेरी 4 नंबर गली है ये तो दूसरे वाली में है, इनका दूसरी फाइल कहाँ, दूसरी फाइल कहाँ? फिर मैंने चीफ इंजीनियर से बड़ा तो कोई अधिकारी नहीं है इंजीनियर का, वही ठीक बात है। मैंने करदम जी से कहा, मैंने कि करदम जी ये जो 62 लाख वाली फाइल है इसमें क्या क्या काम है बताओ जरा, क्योंकि मुझे भनक तो इसकी पड़ गई थी पहले से। तो करदम जी ने कहा कि इसमें 1199 रनिंग फुट तो सीवरेज है, 1677 रनिंग फुट पानी की लाइन है, 1810 स्क्वायर मीटर पुरानी टाइलें उखाड़ के लगनी है, कुछ टाइलें टूट भी जाती हैं, बिल्कुल 798 नहीं लगनी है। फिर मैंने मौके के जई के साइन भी करवा लिए जी कि 15 अगस्त तक ये काम पूरा हो जाएगा। इतने में 50 लाख वाली फाइल आई, दूसरी फाइल सामने आ गई, मैं देखा ये तो सेम नक्शा लगा पड़ा। फिर मैं कमिश्नर नगर निगम मैडम के पास गया, तो नगर निगम कमिश्नर मैडम ने 7 के 7 15 दिन के अंदर इंक्वायरी कराने के ऑर्डर दे दिए। हालांकि सारे अधिकारी लीपापोती कर रहे थे कि भाई साहब नहीं, वो फीता लगा रहे हैं, काम तो हो गया है,
8 जून को वर्क ऑर्डर चालू दिया है उसको। मैंने कहा यार 62 लाख वाला तो अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो इतने दिन से चल रहा है, ये 8 जून को वर्क ऑर्डर हुआ इसका, इतनी जल्दी 50 लाख का काम भी खत्म हो लिया। जबकि मैंने सिस्टम पास करा रखा था जी कि भाई आप ज्यादातर अधिकारी ध्यान देते हैं कि उद्घाटन पे नेताओं के नाम लिखे, जबकि हरियाणा सरकार का कायदा है नेताओं के नाम लिखे ना लिखे कि इन्फॉर्मेटिव बोर्ड जरूर बने, जरूर होना चाहिए कि ये काम कितने का है, इसका ठेका कितने का है, टाइम लिमिट कितनी है, ठेकेदार कौन है, ठेकेदार कौन है। तो इस 50 लाख पे तो वो इन्फॉर्मेटिव बोर्ड ही नहीं था, ओके, पता ही नहीं किसको बुला के उसने काम चालू करा दिया। जय भी कह रहा था मेरी नॉलेज में नहीं है, अभी ठेकेदार ने काम चालू करना, अब सुख बुगाट आ रही है काम चालू कर चुका है। अच्छा भाई कर चुका है तो साइड शिफ्ट किसकी परमिशन से हुई है? अब तो साइड शिफ्ट भी नहीं होती, कानून बन चुका है। जो इस फाइल में फोटोएं लगा रखी हैं वो लेटीट्यूड लैंगिट्यूड पे लगा रखी है, लेटीट्यूड लैंगिट्यूड तो नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। पूरे विश्व के अंदर पूरी धरती पे जो अक्षांश और देशांश रेखाएं हैं, हाँ, बिल्कुल, वो तो आप चेंज कर नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, भूगोल चेंज हो ही नहीं सकता। अब देखो ये लोग क्या करते हैं इंक्वायरी के अंदर। फिर मैं पाटिल जी के पास गया था और फिर मैंने माननीय मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है जी कि चाहे सतवीरा ठेकेदार का मामला हो, चाहे ये वाला मामला हो, जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है मंत्री जी का कहीं ना कहीं रोल रहता है। आखिर क्यों आता आपका? हाँ मैं ये नहीं कह रहा मंत्री जी बेईमान है या भ्रष्ट है, मैंने चिट्ठी में भी लिखा है कि महोदय मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें सम्मिलित हैं जी, लेकिन जिस हिसाब से इनके पत्र का जी और इनके हस्ताक्षर का दुरुपयोग हुआ है जी, और आप हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, आपकी तफ्तीश कौन करेगा? भाई हरियाणा पुलिस अपनी मंत्री की कैसे तफ्तीश कर लेगी? बात है मंत्री जी को खुद इनिशिएटिव लेके, हाँ, अगर दुरुपयोग हुआ है तो या तो मंत्री जी खुद सम्मिलित है, फिर तो वो कुछ करेंगे ही नहीं जी जी। हम कहते रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुख्यमंत्री के हाथ पैर जोड़ेंगे यार इसको कुछ मत करो, और मंत्री जी पाक साफ है, मैं उनकी जगह मंत्री होता, मैं एक जेब में इस्तीफा रखता और एक जेब में चिट्ठी रखता जी, और मुख्यमंत्री के पास जाता कि इस मामले की तुरंत CBI जांच कराओ, क्योंकि हरियाणा सरकार का कोई भी अधिकारी जिसमें मंत्री सामने सम्मिलित नजर आ रहा है, जिसके साइन का दुरुपयोग हो रहा है, पत्र का दुरुपयोग हो रहा है, वो मंत्री की जांच वहाँ के अधिकारी क्या करेंगे? वो तो मंत्री के मताहत हैं, मंत्री के नीचे काम कर रहे हैं, मंत्री भी वो जो 2 नंबर का हो, मुख्यमंत्री के बाद सबसे सीनियर टीम में नंबर मूलचंद जी का, तब ये मूलचंद जी को देखना है कि वो इसकी CBI जांच कराते हैं या नहीं कराते हैं। और मुझे विश्वास है CBI जांच कराएंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि क्या मंत्री जी सम्मिलित थे इसमें, या मंत्री जी के लेटर पैड का किस अधिकारी ने, किस भाजपा नेता ने, किस लोकल वर्कर ने दुरुपयोग किया, और ये 50 लाख रुपए, ये 50 लाख नहीं है, इस ब्रजलाल चौरसिया के भी आप देखेंगे पिछले 5 साल के अंदर मैक्सिमम काम बल्लमगढ़ विधानसभा के जी, इसका एक एक काम चेक होना चाहिए कि क्या ब्रजलाल चौरसिया वाले कामों की डबलिंग तो नहीं हुई पड़ी है, क्योंकि ये तो एक मैंने सुराग दे दिया, पर बाकी तो हकीकत जांच अधिकारी ही निकाल पाएंगे। ये मैं आपसे कुल मिलाकर क्या माना जाए कि ये पॉलिटिशियन प्लस ब्यूरोक्रेसी प्लस ठेकेदार, ये कोकस कोई बन गया ऐसा कुछ क्या जिसके अंदर की रोज नई बात सामने? देखो जी उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये सब अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दे आल आर द चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक, सब एक थैली के चट्टे बट्टे, और सबने उन्होंने मिलजुल के ही ये पाप किया है। चलिए ये तो हुआ नगर निगम का। विधायक जी इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आपसे 2 पॉलिटिकल सवाल कर लेते हैं। आज रावदान सिंह के यहाँ ED पहुँच गई, अभी रावदान सिंह हाल ही में चुनाव लड़े थे लोकसभा का और 2nd नंबर पर रहे, बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन हुआ, क्या लगता है कोई दबाव की राजनीति है या? ये लोग करते रहे दबाव की राजनीति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना इन चीज़ों से कुछ होने वाला है। हरियाणा की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और अब बदलाव होना तय है। चलिए एक अंतिम सवाल, आपके साथ का ही थोड़ा सा लगता, विधानसभा क्षेत्र है पथला, विधायक है नैनपाल रावत, कल उनकी बड़ी सुर्खियां चलती रही सोशल मीडिया पर कि सरकार से समर्थन वापस ले लिया, रात के लिए चली कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, समर्थन वापस दे दिया, ये लेने और देने का खेल क्या है? वो आप नैनपाल जी से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। बाकी विधानसभा में मैंने एक बात कही थी और नैनपाल जी के लिए तो मैंने खास तौर से सिफारिश की थी जी
क्योंकि 2009 में डिलिमिटेशन के बाद पटला विधानसभा बनी थी, सारे एरिए हमारे बने थे जी जी, तो बड़कल से भी मंत्री रह लिया, हाँ हाँ, फरीदाबाद शहर से भी मंत्री रह लिया, बल्लमगढ़ से भी मंत्री रह लिया, एनआईटी से भी रह लिए और तिगाम सीट को कृष्णपाल गुर्जर जी स्वयं है, वो सेंट्रल मिनिस्टर है, तो हमारे जिले की ये पृथला विधानसभा थी जिसने मंत्रालय नहीं देखा था। तो मैंने जब ये सैनी सरकार ने अपना विश्वास मत लिया था जी जी, और विश्वास मत के समय ठीक है हर कोई करता है, सब निर्दलियों को टॉफी दी होगी, तुझे ये देंगे तुझे ये देंगे तुझे ये देंगे, तो मैंने कहा था भाई इनको जरूर मंत्री बना देना। हालांकि मैंने और भी कईयों की सिफारिश की थी और अंत में कहा था कि क्योंकि विधानसभा में एक दिन एक निर्दलीय विधायक कह रहे थे जी हम तो शेर हैं, मैंने कहा इन विचारों को शेरू मत बना देना जी, और अब हकीकत बात है ये शेरू ही बन गए जी, कभी कहते हम नाराज हैं, कभी कहते हम राजी हैं, कभी कोई जा रहा है मिलने, कभी कोई जा रहा है मिलने, तो इनके संग तो एक इनके साथी ने कहा था हम शेर हैं, हकीकत में इनके संग शेरू वाला ही काम हो गया। तो आपकी तो रिकमेंडेशन ये थी कि शेरू मत बनाओ, शेर बना दो, हाँ शेर बना दो, अपने इलाके को मंत्री पद दे दो। खैर विधायक जी और कुछ कहना चाहें अगर आप हमारे माध्यम से, तो ये विधायक नीरज शर्मा जी जो लगातार खासकर फरीदाबाद नगर निगम के भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाते रहते हैं, चर्चा में रहते हैं और तमाम प्रकार की बातें, एक एक वीडियो में आपसे एक लास्ट एक पॉइंट और रह गया, एक आपका मैं वीडियो देख रहा था आज सुबह कि आप फरीदाबाद में बिजली के वाले मामले को लेकर अडानी का कुछ इशू बता रहे थे उसके अंदर की मनोहर लाल सरकार ने, और देखिए जब हुड्डा साहब हमारे थे मुख्यमंत्री हरियाणा के तो वो अडानी के संग समझौता करके गए थे लगभग 3.5 करोड़ यूनिट प्रतिदिन देने का 2.94 रुपये में जी, जो अडानी का पावर प्लांट लगा है वो उसी बेस पे लगा, उसी बेस पे लगा जी। जब ये बीजेपी की सरकार आ गई बिजली हो गई महंगी, पीक ऑवर्स में बिकने लगी 18-18 रुपये यूनिट जी, अडानी ने बिजली देनी बंद कर दी। इस सरकार क्योंकि ये सरकार पूरी वाजपेयी अडानी के तो पैरों में लमलेट है, बजाय पेनल्टी क्लॉज पे ये कार्रवाई करते, इन्होंने अडानी पे कोई कार्रवाई नहीं की, मामला कोर्ट में भी गया, वहाँ से अडानी पे तकरीबन 1199 करोड़ का जुर्माना लगा, इन्होंने जुर्माना भी नहीं वसूला। उल्टा कैबिनेट की मीटिंग करके हुड्डा साहब जो पावर परचेज एग्रीमेंट कर गए थे उसको पलट दिया कि 2.94 रुपये की जगह तो 3.48 रुपये मिलेंगे, 1400 मेगावाट की जगह 1000 मेगावाट लेंगे, अडानी ने वो बिजली भी नहीं दी। आज आप देखो रात के 3-3 बजे तक लाइट जा रही है, बड़े पावर कट होते हैं और खासकर एनआईटी एरिया में तो बहुत सब, ना ना सब जगह पूरे हरियाणा में, मैं तो ऑफिस तो में देखता हूँ यहाँ पे ज्यादा बुरा लगता है मुझे, तो है तो मैं आवाज उठाता हूँ, बाकी आवाज नहीं उठाते, बाकी भाजपा वाले क्या आवाज उठाएंगे कि हमारी सरकार अडानी के पैरों में लूट गई, भाजपा वाले ये आवाज उठाएंगे कि जी हमारे राज्य में घोटाले हो रहे हैं, उनके तो मुंह में दही जमी पड़ी है बेचारों के, वो तो बस पुराना हिसाब घृणा की बात, नफरत की बात, उनके अलावा उन पर कोई बात नहीं है। तो वो अडानी के खिलाफ यूनिट दे दे जो हुड्डा साहब एग्रीमेंट करके गए हैं हरियाणा में, 1 मिनट का भी पावर कट ना लगे जी। और हुड्डा साहब 2.94 रुपये में कर गए थे, लगभग 3 करोड़ यूनिट है, इन्होंने 3.48 रुपये में किया, 50 पैसे यूनिट रेट बढ़ गया, कितने का बोझ पड़ रहा है सरकार पे, तकरीबन 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा पड़ गया, महीने का कितना हो गया 45 करोड़ रुपए, साल का कितना हो गया 12×4=48, 12×5=60, 500-600 करोड़, ये तो वो है जो कॉस्टिंग का फर्क पड़ रहा है। अब आप दूसरी तरफ से आ जाओ, जो बिजली 2.94 रुपये में आनी थी वो बिजली आज हमें खरीदनी पड़ रही है 16 रुपये 17 रुपये 18 रुपये 22 रुपये तक पावर जब पीक टाइम हो रहा है, वो कितने रुपए यूनिट का फर्क है जी। तो ये अडानी के पैरों में लमलेट हुए पड़े हैं जिसकी वजह से हरियाणा की आम जनता पिस रही है जी। तो ये नीरज शर्मा जो बता रहे हैं कि मैंने आपसे पहले सारी बात की जो फरीदाबाद नगर निगम और समस्याओं को लेकर के, क्योंकि ये बिजली वाला इशू गर्मी है, पीक टाइम है, समस्याएं ज़्यादा होती हैं, इस बारे में बात करना जरूरी था। नीरज शर्मा जी ने बड़े बेबाकी से अपनी बात की, आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।